बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले को मिली सजा। कुकर्मी पिता को कोर्ट ने सुनाई सजा। 12 साल की बेटी को बनाया था शिकार। सौतेले पिता की शर्मनाक हरकत। सुल्तानपुर में कोर्ट ने एक बाप को दुष्कर्म की सजा सुनाई है। उस दरिंदे को आजीवन कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जी हाँ, उस हैवान ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना डाला। वो उस वक्त मात्र 12 साल की थी। मामला सिर्फ 1.5 साल पहले का है, जब कुरेभार थाना क्षेत्र के रहने वाले रवि कुमार ने इस घटिया वारदात को अंजाम दिया। वो बेचारी 5 सितंबर 2021 को खाना खाने के बाद अपने परिवार के साथ सो गई। आरोपी रवि, जिसकी उम्र लगभग 53 साल थी, उसने 12 साल की बेटी को सोते हुए उठा लिया और फिर उसके साथ उस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। बच्ची ने जैसे ही अपनी माँ को सुबह देखा, उनसे लिपटकर रोना शुरू कर दिया और सारी बात बताई। बच्ची की माँ ने इसी वक्त अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और अपने ही पति के खिलाफ पुलिस से मामले की शिकायत कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे के करीब 5 साल पहले ही पीड़िता की मां ने अपने पहले पति को छोड़कर आरोपी रवि कुमार से शादी की थी। पीड़िता बच्ची उसके पहले पति की बेटी है। रवि ने कभी भी पीड़िता को अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया, लिहाजा पीड़िता की मां ने इसी वजह से अपने पति रवि के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश पूरी की और ये सारे आरोप सही पाए गए। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया और स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत में ये मामला चला। करीब 1.5 साल के अंदर ही इस मामले पर फैसला आ गया। इस मामले में जज ने आरोपी सौतेले पिता रवि कुमार को दोषी करार दिया और आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ साथ 50,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया। इस फैसले के बाद से पीड़िता की मां काफी ज्यादा संतुष्ट हैं और अपनी बेटी को मिले न्याय के लिए ऊपर वाले का शुक्र मना रही हैं। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अंकुश यादव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।